वेलकम टू माई YouTube फैमिली। कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, विच इज़ शिमला ब्लॉगर दीपशिखा। और बताइए कैसे हैं आप और कहां कहां से ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा हमेशा का सवाल होता है, तो नेवर माइंड। और देखिए, बहुत दिनों हो गए मैंने अपनी कोई पोइट्री अपने चैनल पर नहीं डाली है। तो मैंने बहुत दिनों पहले एक पोइट्री लिखी थी बिटिया, तो मैं आज उसको अपने चैनल पर डाल रही हूँ। और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं पोइट्री बिटिया। कब जाने समय पंख लगाकर उड़ गया, कब जाने समय पंख लगाकर उड़ गया, जाने कब मायके से ससुराल जाने का समय आ गया। अब देखिए, जाने और जाने में भी कितना फर्क है ये आप खुद समझिए। मुझे याद है बेटी तेरी वह पहली किलकारी, वो पहली मुस्कान तुमने मुझे माँ बना दिया। धीरे धीरे बढ़ती रही तुम और साथ ही मेरी चिंता भी, चिंता सुनहरे भविष्य की, चिंता अच्छी परवरिश की। एक आंसू आंखों में तैर जाता था जब याद आती थी कि कल तुम्हें पराए घर जाना है, ये सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती थी। तुम्हारी गुड़िया, तुम्हारा सामान सब समेत सहेज रख जाती थी। पता था कल जब तुम ससुराल चली जाओगी ना, तो ये ही मेरा संबल होगा। इनमें फिर से एक बार बिटिया तेरा बचपन मैं देखूंगी, तुम्हारा स्कूल का पहला कदम जब तुम मुझसे अलग हुई। सोच कर ही धक रह गई मेरी गुड़िया कहाँ चली गई। खुद पर ही हंसी आई फिर खुद ही संभल गई। पता है बिटिया, मुझसे तुमसे ज्यादा मैं रोई थी। एक पल तेरी जुदाई मैं सह नहीं पाई थी। पागलपन था वो मेरा या तेरी तरफ का प्यार था। धीरे धीरे एक एक सफलता की सीढ़ी तू चढ़ती रही। धीरे धीरे तेरी आंखों के सपनों की उड़ान तू बढ़ती रही। संस्कार, रीति रिवाज, पढ़ाई सभी तो तुझे दे दिया। सभी खुशियों की थाली में परोसकर तुझे बड़ा किया। तेरे विवाह का जब वो शुभ दिन आया, बाहर खुशी पर बरसों पहले का वो डर भी निकल आया। आज फिर से तुझे पढ़ने जाना है बिटिया, इस संसार रूपी स्कूल में जाकर अपना वजूद बनाना है बिटिया। जो सीख तुझे दी है मैंने उसका मान बढ़ाना है बिटिया। आज तुझे विदा होकर एक नया संसार बसाना है बिटिया। कैसे कहूं कि दुखी हूं और कैसे कहूं कि खुश हूं, कैसे तुझे मैं खुद से अलग यूं कर दूं। मेरी ही परछाई है तू, मेरा ही अक्स है ना बिटिया। मैं तुझे विदा नहीं कर रही हूं, बल्कि अपने और अपने परिवार में एक बेटे का स्वागत कर रही हूं। अगर आपको मेरी यह रचना पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसी लगी और इस रचना का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो अगली व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब अपना अपना ख्याल रखें, बाय।